सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो गाइस यार, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप सभी के लिए। अगर आप पबजी प्लेयर हो तो यार इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप अपने पार्टनर को कैसे ऐड कर सकते हो पबजी मोबाइल पे, जो कि एरेंगल 2.0 आने के बाद यहाँ पे बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो सारा कुछ डाउट्स मैं आप सभी को यहाँ पे क्लियर करूँगा। लेकिन उससे पहले गाइस, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को भी जरूर से शेयर कीजिएगा। तो गाइस यार, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को है ना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको एक वेबसाइट का लिंक मिलेगा। अगर वहाँ पर जाते हो और गेम्स के अंदर कैटेगरी गेम्स के अंदर जाके अगर आप देखते हो तो पबजी मोबाइल पे रीनेम कार्ड कैसे ले सकते हो, उसके रिलेटेड वहाँ पे कुछ आर्टिकल्स लिखे गए हैं। उस प्रकार से अगर आप पबजी मोबाइल पे वर्क करते हो तो आपको भी बहुत ही अच्छे से रीनेम कार्ड्स मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री। तो गाइस यार, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो गाइस यार, आप सभी को पता है कि एरेंगल 2.0 आ चुका है, 2.0 बोल सकते हो, कुछ लोग ओ बोलते हैं ना, क्या कहते हो आप जरूर से बताना। तो गाइस यहाँ पे अपडेट आ चुका है। तो यहाँ पे अपडेट आने के बाद कुछ बंदे ने यहाँ पे अपडेट कर लिया और कुछ लोगों ने अपडेट नहीं किया। फिलहाल इस ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए जिस भाई लोगों ने यहाँ पे पबजी मोबाइल को अपडेट कर लिया है, ठीक है। अब गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, यहाँ पे इसकी पूरी सेटिंग्स, पूरी के पूरे ऑप्शंस चेंज हो चुके हैं। तो फिर भी आपका भाई आप सभी को बताएगा कि आप कैसे इस नए पबजी मोबाइल के इंटरफेस पे भी आप बहुत ही इजीली अपने पार्टनर्स को, अपने बॉयफ्रेंड को, अपनी गर्लफ्रेंड को, अपने दोस्तों को ऐड कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लेफ्ट साइड के ऊपर यहाँ पे आप प्रोफाइल दिख रहे हैं, वहाँ पे टैप करना है। जैसे यहाँ पे टैप करते हो तो यहाँ पे टैप करने के बाद यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। ऊपर सेनर्जी, उसके बाद प्राइस गेमिंग यहाँ पे देख सकते हो, ये बेसिकली क्लैन है मेरा। उसके बाद लेवल 3 क्या है। अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि नूब क्लैन है, हाँ यार नूब है, आप आ जाओ प्रो हो जाएंगे, है ना। तो दूसरा जो यहाँ पे सबसे नीचे प्राइस गेमिंग दिख रहा है, ये क्लैन का है, ठीक है। सॉरी, ये जो सेकंड पे है एक क्लैन का है, ये जो थर्ड में आपको है ना दिख रहा है, ये क्रू का है, ठीक है। अब गाइस ये तो मैंने आप सभी को बता दिया। अब गाइस हमारी बडी कहाँ पे ऐड होते हैं, तो आप सभी को पता है कि हमारी जो बडी है ये सेनर्जी पे से ऐड होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को सेनर्जी पे जाना है। और हाँ गाइस, पहले लास्ट वाली वीडियोस में मैंने आप सभी को बताया था, आप यहाँ से अपने BFA बडी है ना, ब्रॉन्ज लवर्स को ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब गाइस यहाँ पर देख सकते हो, बडी में मैंने 2 बंदों को ऐड करके रखा है, रिक्वेस्ट भेजा है। अगर वो लोग एक्सेप्ट करते हैं तो वो लोग जो है मेरे बडी पे ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बडी में ऐड होके आ जाएंगे। उसके बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हो पार्टनर्स में किस किस को रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, या अवेलेबल पे जाना है। जैसे ये अवेलेबल पे जाते हो, आप इन अवेलेबल के बंदे को ही सिर्फ आप यहाँ पे यानी कि ऐड कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर यहाँ पे आपको करना क्या है, स्टार्टिंग से मैं आप सभी को समझा देता हूँ, ठीक है। इसके बाद बहुत सारे लोग मुझे कन्फ्यूज करेंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, जैसे आप पबजी मोबाइल को अपडेट कर देते हो, अपडेट करने के बाद आपको लेफ्ट साइड के ऊपर देख सकते हो अपने लोगो है ना, यहाँ पे जाना है प्रोफाइल लोगो पे। उसके बाद सैनर्जी पे टैप करना है, सैनर्जी पे टैप किया। उसके बाद गाइस ये जो पार्टनर है यहाँ पे टैप करना है, यहाँ पे टैप करने के बाद ये जो अवेलेबल है ना यहाँ पे टैप करना है। इतना सा काम गाइस। अब गाइस यहाँ पे देखो, जो भी बंदे यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ना, इनको ही सिर्फ और सिर्फ आप है ना रिक्वेस्ट डाल सकते हो, ठीक है। अब गाइस रिक्वेस्ट डालने के बाद, जैसे अब मान लो मुझे इस बंदे को रिक्वेस्ट डालना है, तो इसको रिक्वेस्ट डालने के लिए यहाँ पे मैं बड्डी के लिए रिक्वेस्ट डालूंगा, तो यहाँ पे मैं बड्डी में टैप करूँगा और ओके कर दूंगा, तो इस बंदे को रिक्वेस्ट चला जाएगा। अब गाइस कोई भी बंदा अपने वहाँ पर चेक करेगा कि मुझे किसने रिक्वेस्ट भेजा है, तो रिक्वेस्ट भेजने के लिए यहाँ पर उनके पास नोटिफिकेशन चला जाता है, और वो जो बंदा है वो यहाँ पर गाइस यहाँ अगर एक्सेप्ट कर लेता है इस प्रकार से, तो वो एज ए बडी ऐड हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है गाइस, आप इसी प्रकार से अपने बडी को ऐड कर सकते हो। देख सकते हो यहाँ पे मैंने इस बंदे को है ना बडी के लिए जो है रिक्वेस्ट भेजा था, तो यहाँ से भी मैं इसको ड्रॉ कर सकता हूँ, यहाँ से मैं इसको ड्रॉ कर सकता हूँ, देख सकते हो। अब जिसको चाहो उसको यहाँ से बडी के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हो, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे मैंने लास्ट में भी बताया था
कि आप सभी को यहाँ पे बहुत ही इजीली अवेलेबल, आप यहाँ पे जिसका भी नाम रहेगा उसी को सिर्फ यहाँ पे बड़ी भेज सकते हो। अब गैस यहाँ पे नाम किसका आता है गैस, जिसके साथ आप ज़्यादा खेलते हो और जिसका यहाँ पे सैनर्जी पॉइंट 100 से ऊपर रहेगा, सिर्फ और सिर्फ आप उसी को भेज सकते हो, ठीक है। अब गैस जिसका जो भी सैनर्जी पॉइंट 100 से कम है, जो पॉपुलरिटी बोल सकते हो आप उसका कम है, तो आप उसको नहीं भेज सकते हो। देख सकते हो यहाँ पे ये जो एलिजिबल नहीं है, देख सकते हो 96 है ये जो बंदा, तो इसलिए इस बंदे को मैं नहीं भेज सकता हूँ, इसका 100 होना है तभी इसको मैं रिक्वेस्ट भेज सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो ये जो बंदा है इसको भी नहीं भेज सकता हूँ, ये जो बंदा है इसको भी मैं नहीं भेज सकता, ये जो बंदा यहाँ पे देख सकते इसको भी नहीं भेज सकता, यानी कि जिसका यहाँ पे 100 से ज़्यादा है ना आप पॉपुलरिटी बोल सकते हो, सैनर्जी पॉइंट बोल सकते हो, तो उसको ही मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट डाल सकता हूँ, ठीक है। तो देख सकते हो मैंने इस बंदे को रिक्वेस्ट डाल दिया। अब जैसे उस बंदे को वहाँ पे देखेगा कि उसको नोटिफिकेशन जा चुका है, तो उसको दोस्तों यहाँ से वो जो है ऐड कर सकता है बहुत ही इजीली, है ना, वो वहाँ से एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो जैसे वो वहाँ पे एक्सेप्ट कर लेता है, तो एक्सेप्ट करने के साथ साथ वो जो बॉडी में ऐड हो जाएगा। तो होप कि गाइस आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, आप इस चीज़ को है ना बहुत ही इजीली कर लोगे, ठीक है। तो बाकी के गाइस यहाँ पे जैसे आप ये पार्टनर पे आते हो, तो पार्टनर पे आने के बाद यहाँ पे पार्टनर की जो भी पोजीशंस वगैरह यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, और बाकी कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। तो होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी।